हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा हब। जैसे कि आपको पता चले गया है, एनुअल सिस्टम की जो डेट शीट्स हैं वो आ चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर की डेट शीट्स, और साथ में रहेंगी अदर्स डेट शीट भी। तो चलिए करते हैं शुरू। गोल्डन चांस एम कॉम फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ चुकी है। गोल्डन चांस एम एस सी होम साइंस की डेट शीट आई हुई है। एम बी एस सी आई टी थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट आई हुई है। आपके एम एस सी अप्लाइड केमिस्ट्री की डेट शीट आ गई है थर्ड सेम की। और अब बात करेंगे एनुअल गोल्डन चांस बी ए बी एस सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर की। तो भाई, आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और साथ साथ में बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपके साथ डेट शीट शेयर की हैं वो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है पिछले वीक जो डेट शीट आई थी और जो अभी शेयर की हैं ये हैं नवंबर की डेट शीट्स। और अगर इनमें कोई अक्टूबर की डेट शीट है भी तो वो 17 से स्टार्ट हैं एग्ज़ाम। और देखिए, एनुअल का यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, आपके जो एग्ज़ाम है के एग्ज़ाम जो हैं वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई अदर डेट शीट जो मैंने बताई हैं वो उनके एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट हैं, यानी आपसे भी एक वीक के बाद हैं, और आपकी डेट शीट इनके भी बाद आ रही है, तो भाई हम और आप क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी डेट शीट। फुल डेट शीट मैं आपको यहाँ पर शो करने वाली हूँ। तो भाई, ये डेट शीट जैसे कि आप देख पा रहे हैं बीए बीएससी जनरल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर की है एनुअल सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी आपके कंपार्टमेंट है, एडिशनल है, इम्प्रूवमेंट है, तो ये सब जो एग्ज़ाम है आप सभी के लिए हैं। सभी एग्ज़ाम ये सभी की डेट शीट रहने वाली है। डेट एंड डे यहाँ पर गिवन है फर्स्ट कॉलम में। फिर आपका बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की डेट शीट है। सिलेबस आपका है 2013-14 का। एग्ज़ाम कोड है 0101। शिफ्ट आपकी रहेगी मॉर्निंग की 9:30 AM to 12:30 PM, और सेम थर्ड ईयर की भी 9:30 AM to 12:30 रहेगी। आपका बीएससी थर्ड ईयर, आपका जो सिलेबस है 2015-16 का आपको फॉलो करना है। एग्ज़ाम कोड आपका है 0103। बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर की। तो भाई, आपका सिलेबस है 14-15 का। एग्ज़ाम कोड है 0102। आपकी जो शिफ्ट रहेगी वो इवनिंग की है 2 PM to 5 PM। एग्ज़ाम सभी के जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं 11 अक्टूबर से। दिन रहेगा वेंसडे। तो सबसे फर्स्ट में जो डेट शीट है वो आपका पेपर गिवन है इंग्लिश कंपलसरी। सब्जेक्ट का जो कोड है वो उसके सामने गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। और एक देखिए कॉलम्स में जो यहाँ पर हाईलाइट चीज़ें हैं वो आप देखते चलेंगे, जैसे कि यहाँ 4 BA ओनली एंड शास्त्री पार्ट वन के लिए ये इंग्लिश कंपलसरी एग्ज़ाम रहेगा। ऐसे ही आपका थर्ड ईयर का है फिजिक्स पेपर ए, बॉटनी पेपर ए, सोशियोलॉजी ये रहेगा सेकंड ईयर के लिए, कंप्यूटर साइंस। तो ये आपके 11 डेट के एग्ज़ाम हैं। 12 डेट में है केमिस्ट्री, थर्ड ईयर के लिए रहेगा इंग्लिश, सेकंड का उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है। 13 में है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिलोसफी, थर्ड ईयर का है केमिस्ट्री पेपर, सेम फॉर बीएससी माइक्रोबायल एंड फूड टेक्नोलॉजी, और सेकंड ईयर का है इंग्लिश कंपलसरी, ये है 4 BSc ओनली, और साथ ही रहेगा केमिस्ट्री का पेपर। 14 में है हिस्ट्री पेपर, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, थर्ड और सेकंड का उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर है 16 में रहेगा BA BSc थर्ड ईयर का हिस्ट्री पेपर, मैथमेटिक्स, और सेकंड का होगा सेकंड ईयर का यानी बॉटनी पेपर, फिजिक्स पेपर ए, और सेकंड ईयर के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम उसी दिन रहेंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 17 अक्टूबर में है आपका फर्स्ट ईयर का फिजिक्स पेपर, थर्ड ईयर का है पॉलिटिकल साइंस कंप्यूटर साइंस, और सेकंड ईयर का है इकोनॉमिक्स पेपर ए, हिस्ट्री ऑफ आर्ट पेपर ए। फिर 18 डेट में है आपका सोशियोलॉजी पेपर ए, ये है फर्स्ट ईयर का, और कंप्यूटर साइंस पेपर ए। सब्जेक्ट कोड आप चेक कर लेंगे तो आपको अपने जो एग्ज़ाम पेपर में है वो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए गिवन है, किसका एग्ज़ाम है। थर्ड ईयर का है उस दिन फिजिक्स पेपर बी, ज्योग्राफी पेपर सी, फॉर यू सोल कैंडिडेट्स ओनली, ये जो ज्योग्राफी है ये। सेकंड ईयर का है रहेगा उस दिन फिजिकल एजुकेशन और ज्योग्राफी पेपर ए। 19 डेट में फर्स्ट ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर आपका थर्ड का है इकोनॉमिक्स पेपर ए, हिस्ट्री ऑफ आर्ट ए, और सेकंड ईयर का है कंप्यूटर साइंस पेपर बी। 20 डेट में है मैथमेटिक्स, जूलॉजी, थर्ड ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है, सेकंड का है केमिस्ट्री पेपर और पॉलिटिकल साइंस पेपर ए।
21st में है आपका फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के लिए और ज्योग्राफी। थर्ड ईयर के लिए है फिजिक्स पेपर सी, बॉटनी पेपर बी, और सेकंड ईयर के रहेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। यहाँ पर गिवन है, आप चेक कर लेंगे। 25 में है फिजिक्स पेपर बी फॉर फर्स्ट ईयर, हिस्ट्री पेपर बी, मैथमेटिक्स पेपर टू और जूलॉजी पेपर ए, ये हैं थर्ड ईयर के लिए। बॉटनी पेपर बी, फिजिक्स पेपर बी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर ए, फिलोसफी पेपर वन, ये है सेकंड ईयर के लिए। 26 में है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर फर्स्ट ईयर, यहाँ पर आप अपने सभी पेपर चेक कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम में। फिर आपके थर्ड ईयर के लिए हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी पेपर ए, ज्योग्राफी पेपर ए, फिजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी पेपर ए, संस्कृत ए। सेकेंड ईयर के लिए है इंग्लिश कंपलसरी, ये है फॉर बीए ओनली एंड शास्त्री पार्ट टू। 27 फ्राइडे में है आपका इकोनॉमिक्स पेपर ए फॉर फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है। हिस्ट्री पेपर ए सेम फॉर शास्त्री पार्ट टू, मैथमेटिक्स पेपर वन, जूलॉजी पेपर ए, ये है सेकेंड ईयर की डेट शीट। फिर है 28 सैटरडे में केमिस्ट्री पेपर टू, फिर है थर्ड ईयर के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और सेकेंड ईयर के हैं पंजाबी कंपलसरी फॉर बीए ओनली एंड शास्त्री पार्ट टू। 31 अक्टूबर में है आपका पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का है केमिस्ट्री पेपर सेम फॉर बीएससी माइक्रोबायल एंड फूड टेक्नोलॉजी, पंजाबी कंपलसरी भी उसी दिन है पेपर ए। फिर है आपका फिजिकल एजुकेशन पेपर बी, ज्योग्राफी पेपर बी, ये हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। नवंबर 1 पंजाबी कंपलसरी पेपर ए फर्स्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, ये है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। इकोनॉमिक्स पेपर बी भी है उनका और हिस्ट्री ऑफ आर्ट पेपर भी है। ये आपकी डेट शीट का सेकेंड पेज है, यहाँ पर भी आपके लिए जो आपके सिलेबस, एग्ज़ाम कोड, बीए बीएससी आपकी क्लास सब ऑलरेडी गिवन है, आपके मॉर्निंग और इवनिंग सेशन गिवन है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा वो मॉर्निंग सेशन में है 9:30 AM टू 12:30 PM और सेकेंड ईयर का रहेगा इवनिंग में 2 PM टू 5 PM। 2 नवंबर में एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का फॉर फर्स्ट ईयर, पॉलिटिकल साइंस कंप्यूटर साइंस फॉर थर्ड ईयर, हिस्ट्री पेपर मैथमेटिक्स जूलॉजी फॉर सेकेंड ईयर। थर्ड डेट में फर्स्ट ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका जो थर्ड ईयर है उसके लिए है मैथमेटिक्स। आपके ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, जूलॉजी पेपर के गिवन है, आप अपने बिहाफ पे चेक कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट कोड। फिर आपके सेकेंड ईयर की बात करते हैं अब, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी का एग्ज़ाम है। 4 डेट में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है, बीए सेकंड में है पॉलिटिकल साइंस पेपर। 6 डेट में रहेगा आपका फिजिक्स पेपर फॉर फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर के रहेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पेपर, फिर है सेकंड ईयर के लिए फिजिक्स पेपर सी, पंजाबी कंपलसरी पेपर बी, ये रहेगा आपका फॉर बीए ओनली एंड शास्त्री पेपर, ये रहेगा आपका फॉर बीए ओनली एंड शास्त्री पार्ट टू। 7 नवंबर में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर बी, ये है फर्स्ट ईयर के लिए, फिलोसफी बी, वोकेशनल इलेक्टिव पेपर टू, ये है कंप्यूटर साइंस पेपर बी, ये है फर्स्ट ईयर के लिए। फिर है थर्ड ईयर के लिए सोशियोलॉजी पेपर ए फॉर सेकंड ईयर, ज्योग्राफी पेपर सी ओनली फॉर यूसोल कैंडिडेट्स, ये बाकी स्टूडेंट्स का नहीं है, ओनली फॉर यूसोल है। 8 नवंबर में पंजाबी कंपलसरी पेपर बी, सेम फॉर बीए बीएससी जनरल माइक्रोबायल एंड फूड टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड शास्त्री पार्ट वन, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है ये डेट में। 9 में है केमिस्ट्री पेपर थर्ड फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स पेपर बी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ये है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा केमिस्ट्री पेपर 7, सोशियोलॉजी पेपर बी। 10 डेट में है ज्योग्राफी बी फॉर फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री पेपर 9, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, ये रहेंगे थर्ड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर का उस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है। 11 डेट में है आपका हिस्ट्री पेपर बी, मैथमेटिक्स पेपर थर्ड, और ये है फर्स्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए है म्यूज़िक पेपर ए, सेकेंड का कोई एग्ज़ाम नहीं है 11 डेट में। 14 में है सोशियोलॉजी पेपर बी फॉर फर्स्ट ईयर, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ये है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए,
आर्कियोलॉजी बी भी है उनका, ज्योग्राफी पेपर भी है, फिजिकल एजुकेशन पेपर भी है, साइकोलॉजी पेपर भी है और संस्कृत पेपर भी है। सेकेंड ईयर के लिए 14 नवंबर में रहेगा मैथमेटिक्स पेपर थर्ड, 15 नवंबर में फर्स्ट ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है, थर्ड ईयर का है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, पंजाबी कंपलसरी पेपर बी फॉर बीए ओनली एंड शास्त्री। फिर आपका सेकेंड ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है 15 में, 16 में है फिजिकल एजुकेशन ज्योग्राफी फॉर फर्स्ट ईयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिलोसफी फॉर थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं है। 17 में है पॉलिटिकल साइंस पेपर बी हिस्ट्री एंड कल्चर पंजाब, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू, यहाँ पर गिवन है 1200 AD। तो ये है आपका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है सोशियोलॉजी पेपर बी, सेकंड का कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो ये थी आपकी फुल डेट शीट, नीचे दिए गए हैं आपके लिए नोट, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले तीन जो यहाँ पर नोट दिए गिवन है वो नॉर्मल हैं। आप फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या है कि किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, मीन्स वो सेम डेट और टाइम पे पढ़ रहा है, तो आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है अलोंग विद योर एडमिट कार्ड्स ऑफ बोथ क्लासेस। तो वो दोनों क्लासेस के आप वहाँ पर एडमिट कार्ड दिखाएंगे अपने जो आपको इशू हुए हैं, तो कहाँ पर सेंड करेंगे, datesheet@pu.ac.in पर, जिसमें कि आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि कौन सा पेपर आप देना चाह रहे हैं और किसे आप लेफ्ट करना चाह रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन आप सेंड करेंगे ये आपके एग्ज़ाम से 10 डेज तक आप सेंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, इसके बाद इस पर कोई गौर नहीं किया जाएगा किसी एप्लीकेशन को। फिर गिवन है आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपके क्लैश एग्ज़ाम के लिए अगर कोई आपका एग्ज़ाम सेम डेट पे पड़ रहा है तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर गिवन है 0172-253-4810, दूसरा नंबर है 254-1303। तो देख लेते हैं आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, चंडीगढ़ 71 जिनका पढ़ रहा है उनका एग्ज़ाम होगा एग्जामिनेशन हॉल नियर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट पीयू सेक्टर 14 में, होशियारपुर 13 जिनका सेंटर है उनका होगा गवर्नमेंट कॉलेज में एग्ज़ाम, लुधियाना 46 वालों का SCD गवर्नमेंट कॉलेज में, श्री मुक्तसर साहिब 18 वालों का होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो भाई ये थी आपकी डेट शीट, वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।